क्या टॉपिक है हमारा एक्सप्रेसिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएसके. कल हम लोगों ने किया था इससे पहले का सारा, दैट इज वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू व्हिच इज गिवन एज कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. ठीक है, अगर हम लोग एसिड डालते हैं वाटर के अंदर तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. ठीक है, अगर हम बेस डालते हैं देन इन दैट केस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव और प्योर वाटर. ओके, और प्योर वाटर अगर हम लेते हैं That is neutral. In that case, concentration of H3O positive that is equal to concentration of OH negative. So this we had done yesterday. तो इसका मतलब हमको कैसे पता चले कि concentration H3O positive की कितनी है और OH negative की concentration कितनी है? कोई भी एक substance जो है वो कितना acidic है और वो substance कितना basic है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्केल जिसे हम पीएच स्केल बुलाते हैं. ठीक है, जो पीएच है उसका मतलब क्या हुआ? पीएच मींस पोन्जे ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कुछ भी बोल सकते हो, राइट? पीएच दैट मींस पोन्जे ऑफ एच पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव. पावर भी किसी किसी बुक्स में पावर पोन्जे का मतलब पावर होता है, किसी किसी में पोटेंशियल भी यूज किया होता है. सो वी कैन यूज ऑल दीज वर्ड्स, राइट? सो डिफाइन करते हैं पीएच को. लिखो द नेगेटिव पीएच, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज pH of a solution is defined as the negative logarithm of concentration of hydronium ions. ठीक है, it is the negative logarithm of concentration of hydronium ions, concentration of hydronium ions per liter of the solution. Per liter of the solution, right? Mathematically, अगर हम pH देखें, तो pH that is equal to minus log of concentration of H3O positive. Okay? और pH measure करने के लिए pH basically क्या देता है? जितनी ज्यादा concentration H3O positive की होगी, उतना ही acidic character ज्यादा होगा. तो basically pH is a measure of acidic and basic strength of any solution and it is measured on the basis of a scale जिसे हम pH scale बुलाते हैं, जिसमें 7 is taken as the center, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay? उसी तरह से 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Over here, जब हम scale देख रहे हैं, तो it's just like a number line. Number line में हम 0 center में रखते हैं. और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस में जाता है और राइट हैंड साइड पे प्लस में जाता है. ओवर हियर आल्सो 7 इज टेकन एज द सेंटर और जिस सॉल्यूशंस का पीएच 7 आता है द सॉल्यूशंस दे आर सेड टू बी न्यूट्रल. जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड को ट्रैवल करते रहेंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहेगी. उसी तरह से अगर हम
राइट साइड को ट्रैवल करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहती है. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज कि ऑल दोज सॉल्यूशंस व्हिच हैव अ पीएच ऑफ 4 to 7, they are weak acids. Okay? And all those which have pH 2 to 4, they are moderate acids. Moderate acids. Similarly, अगर पीएच 7 है सो वी जस्ट सेड कि सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. अगर पीएच लेस देन 2 है, जैसे 1 हो गया या 0.5 है, एचसीएल का जो पीएच है दैट इज 0.5. सो अगर पीएच लेस देन 2 है देन द एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. पीएच equal to 14 gives us a strong base and pH from 7 to 9 gives us a weak base. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू. इसके अलावा जैसे पहले जो सिर्फ ये पीएच स्केल होता था, इसके अलावा अब पीएच पेपर भी होता है. दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक्स बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज. जो पीएच पेपर होता है इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रिप्स. ठीक है. और ये जो 4 स्ट्रिप्स होती हैं, इन 4 स्ट्रिप्स में डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर्स आते हैं. नाउ वी ऑल्सो नो कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि वेदर द सब्सटेंस वो एसिडिक है कि बेसिक है. जैसे ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो हमें पता चलता है कि वो एसिडिक है, पर वो कितना एसिडिक है वो हमको इंडिकेटर्स से पता नहीं चलता. दैट वी कैन कम टू नो थ्रू पीएच पेपर, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता. दिस शोज एन एक्यूरेसी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.5. ठीक है, 0.5 ऊपर नीचे इसकी रीडिंग जा सकती है. सबसे जो एक्यूरेट है दैट इज द पीएच स्केल. ओके. अब हम पीएच कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें से हमें कुछ एक इजी सा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है. सो पीएच की कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है वो देखते हैं. Calculations of pH scale. We have already seen ki pH jo hai that is equal to minus log of concentration of H3O positive. ठीक है. Suppose हमको question है कि calculate the pH of a sample of soft drink whose hydronium ion concentration. Question में हमें hydronium ion concentration दी हुई है 3.8 into 10 raised to power minus 3 molar. इसका हमको pH calculate करना है. Okay? So हम value substitute कर देंगे. Minus log of 3.8 into 10 raised to power minus 3. ठीक है. So this is equal to minus को bracket के बाहर रख लेते हैं. Log 3.8 की value देखते हैं हम. तो log 3.8 की value is 0.589. Right? Log 3.8 की value according to log tables that is 0.589. ठीक है. और उसके बाद यहां पे आ जाएगा into minus 3 log 10. Logs करे हमने. So पहले अभी logs करने पड़ेंगे आपको. So minus 3 log 10.
राइट. सो ये आ गया माइनस 0.589 इनटू माइनस 3 log 10 की वैल्यू होती है 1. माइनस 3 log 10 तो ये आ गया 0.589 माइनस 3. अभी मैं log सिखाती हूं फिर आपको ये समझ में आएगा. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 10 10 पे 9 is 1, 19 पे 8 is 2, 19 पे 4 is 19 पे 5 is 4 and 2.4. Now let's see कि logs क्या है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में logs हमें यूज होंगे. logs जो है logarithms इन्हें हम बुलाते हैं. logarithms, logarithms is a kind of mathematical operator जिसकी values अगर आप अपनी कोई भी book देखोगे तो logs की values book के पीछे दे रखी होती हैं, ठीक है? logs की कुछ properties होती हैं. the first property is log of a into b suppose हमें दिया हुआ है, तो log of a into b का मतलब होता है log of a plus log of b, okay? ये first property है log of a into b that is equal to log of a plus log of b. so a की value, log of a की value हम table से find करते हैं, उसी तरह से log of b की value भी हम table से find करते हैं और फिर उन दोनों values को हम add कर देते हैं. जो logs है वो काफी हद तक आप कह सकते हो कि calculations को easy कर देता है. जैसे हमने किसी चीज का क्यूब निकालना है, किसी चीज का क्यूब रूट निकालना है, किसी का स्क्वायर निकालना है, तो rather than going on to very you know मोटा calculations, हम सिर्फ addition और subtraction में calculations easily perform कर सकते हैं. okay, so first property हमारी ये आ गई. second property है, सारी properties आपको याद होनी चाहिए तभी आप logs को apply कर सकते हो. okay, log of a divided by b that is equal to log of a minus log of b. ठीक है, then third property log of a raised to power n that is equal to n log a. ठीक है, the value of log of 10 that is always equal to 1. okay, अब अगर आपको दिया है log of 10 का square तो इसकी क्या value हो जाएगी, 2 log 10 according to the third property. 2 log 10, log of 10 की value कितनी है 1. So log of 10 का square क्या हो गया 2. ठीक, उसी तरह से अगर हम log of 10 का cube हमें दिया हुआ है, so log of 10 का cube का मतलब क्या हुआ 3 log 10. so value क्या आ जाएगी 3. If in case इस तरह से ना लिखकर आपको लिखा है log of 1000 तो आप इसको अपने आप से multiples में convert कर सकते हो. log of 1000 का मतलब क्या हुआ, log of 10 का cube, right? so 3 log 10 आ जाएगा. तो इन properties के basis पे हम पूरे logs को calculate करते हैं. तो वापस इस question पे आ जाओ, ये question क्या बोल रहा है, log of 3.8 into 10 raised to power minus 3. so into में हमने ये वाला लगा दिया first वाली property log of a plus log of b. ठीक है, so log of a is this, b is this, raised to power third वाली property साथ लगा दी minus 3 log 10. why minus, क्योंकि ये negative में है. ठीक है, so minus 3 log 10 आ गया. अब how do we find the value of 0.589? जब भी हम किसी भी log की value calculate करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं. one is the characteristic
ठीक है एंड द अदर वन इज द मैंटिसा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा डेसिमल के लेफ्ट साइड पे पुट किया जाता है जब आप लॉग्स की वैल्यू को फाइंड करते हो मैंटिसा की वैल्यू जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉग टेबल ओके सो इफ वी आर लुकिंग एट द लॉग टेबल्स आपकी बुक्स के एंड में दो टेबल्स दे रखे होते हैं ये देखो वन इज द लॉग राइट एंड द अदर वन दैट इज द एंटी लॉग सो एंटी लॉग क्या होता है वो लॉग का ऑपोजिट यहां पे हमको लॉग कैलकुलेट करना है तो लॉग हमको किसका कैलकुलेट करना है 3.8 का सो 3.8 का जब हम लॉग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहां पे देखो लॉग टेबल्स में सबसे पहले क्या आ रहा है इधर व्हाट इज रिटन फर्स्ट उसमें एन एन लिखा हुआ है ना फिर उसके बाद 1 2 3 4 0 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है फिर लास्ट में मीन डिफरेंस लिखा हुआ है लिखा है ना यहां ऊपर मीन डिफरेंस ओके अब क्या हम करते हैं कि जब आपको लॉग ऑफ 3.8 फाइंड करना है तो हम n के नीचे 38 देखेंगे बिकॉज टू डिजिट्स n के नीचे सारे डिजिट्स 2 दिए हुए तो हम n के नीचे 38 देखेंगे तो 38 की जो वैल्यू दी है दैट इज 5798 बिकॉज 38 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड कि हमको जो जीरो का टेबल है उसमें हमको वैल्यू देखनी है राइट सो 38 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 5798 तो हमने क्या किया 5798 ले लिया ठीक है सो 5798 जो होगा वो क्या होगा मैंटिसा टेबल से हमने कैलकुलेट करा है ओके समझ आया मैंटिसा 5798 इसके अकॉर्डिंगली 589 है ना अकॉर्डिंग टू दिस आप 57 भी ले लो कुछ नहीं होता उससे थर्ड फोर्थ डिजिट हमने छोड़ दिया अकॉर्डिंग टू टेबल आई एम सेइंग दैट द वैल्यू इज 5798 ये वाली जो वैल्यू थी ये मैंने उसमें से देखी है आंसर में से देखी है ठीक है सो हमने ले लिया 0.5798 ओके अब 5798 क्या है इट इज द मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेसिमल के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाता है जैसे आप 3.8 में देख रहे हो कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स है 1 तो लॉग में हम क्या करते हैं 1 माइनस 1 करेंगे अगर 1 डिजिट है तो 1 माइनस 1 क्या हुआ 0 सो इसका मतलब हम यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक लाएंगे दैट इज गोइंग टू बी 0 पॉइंट ओके अब अगर ये 3.8 की जगह लॉग ऑफ 38 होता तो मैंटिसा तो सेम ही रहेगा 5798 डेसिमल हम अब यहां ज्यूम कर रहे हैं तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं 2 2 माइनस 1 1 सो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 1 पॉइंट हैव यू अंडरस्टूड इस तरह से हम लॉग्स कैलकुलेट कर सकते हैं आ गया सबको समझ राइट क्योंकि ये लॉग्स जब हम कल क्वेश्चंस करेंगे तो ये लॉग सारे में यूज होने वाले हैं जहां पे भी हमने पीएच कैलकुलेट करना है आगे भी जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन सब में लॉग्स यूज होता है सो इफ यू नॉट अंडरस्टूड लॉग्स प्लीज सी इट वंस अगेन हमने ज्यादा लॉगरिथम्स हम लोगों ने बहुत हाई नहीं पढ़ना हमने उतना ही पढ़ना है जितना हमको जरूरत है केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ओके तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी लॉग ऑफ ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी लॉग ऑफ ए रेज टू पावर एन दैट इज इक्वल टू एन लॉग ए ठीक है लॉग ऑफ 10 इज ऑलवेज टेकन एज 1 सो इफ वी आर टेकिंग लॉग ऑफ 10 का स्क्वायर तो वो क्या आ जाएगा 2 लॉग 10 ओके और अगर आप लॉग ऑफ 10 का क्यूब लेते तो वो क्या आ जाएगा 3 लॉग 10 जब भी हम लॉग्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दो वैल्यूज होती है
One is the characteristics. Characteristic depend करती है कि figure में decimal कहाँ पे लिया गया है. और mantissa, mantissa की value हम log table से देखते हैं. Okay? जैसे हमको 3.8 का calculate करना था, तो हम 38 के अंदर देखेंगे log tables में. और 38 के अंदर the values coming as 5798. So 5798 क्या हो गया? Mantissa. Characteristic हम decimal की basis में करेंगे. Decimal के left hand side पे हमको देखना है, identify करना है कि कितने digits हैं, कितने हैं? 1. So log में हम minus 1 करते हैं. So जब हम minus 1 कर रहे हैं तो characteristic क्या हो गया? 0. ठीक है? Have you understood? Okay. Then next, I just show you one trick also today. Calculations की आती भी होगी आपको शायद आती भी होगी आपको. जैसे for example हमको squares आते हैं करने, कराए होंगे SVM में तो कराते हैं Vedic Maths. जैसे for example हमको 25 का square करना है, 25 का हमको स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे हम? 625 तो हमें पता ही है कि 625 है इसका स्क्वायर. ओके, सो किस तरह से हम करते हैं, जो ये फर्स्ट वाला डिजिट है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट डिजिट से. सो 2 का नेक्स्ट डिजिट क्या आया? 3. सो 2 × 3 और 5 का हमने स्क्वायर ले लेना है. 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. सो 2 × 3 का क्या हो गया? 625. ठीक है, क्लियर? उसी तरह से अगर आपको 95 का स्क्वायर करना है तो 9 को उसके नेक्स्ट डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 10 और 5 का स्क्वायर हो गया 25. तो 95 का जो स्क्वायर है दैट इज 9025. ठीक है, उसी तरह से अगर आपको 45 का स्क्वायर करना है तो 4 × 5 = 20 और 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपने एज इट इज. तो आप ये सिर्फ अप्लाई करेगा पर 5 के साथ, जहां पे 5 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 इज प्रेजेंट. ठीक है, अगर आपको 105 का स्क्वायर करना है, 105 का, तो 10 × 11 = 110. ओके, सो एक एक आई विल कीप टेलिंग यू नाउ एवरी डे आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी करने के लिए. ओके, सो आज के लिए ये वाला लर्न करके आएंगे आप. ओके, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं पीएच का, देन वी गो फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन whose hydronium ion concentration is6.3 × 10⁻²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 ⁻ﻳﺎ So pH कैसे करेंगे? pH that is equal to minus log of 6.3 × 10⁻²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 ⁻ﻳﺎ log of 6.3 minus 2 log 10. ठीक है, 6.3 का जो log है वो हम 63 के अंदर देखेंगे. So 63 का जो log आ रहा है that is coming to 7993. 7993. ये तो character, ये तो mantissa आ गया. Characteristic क्या लगेगा? Zero. So 0.7993 − 2. Log of 10 is equal to 1. So minus 2 into 1 will become equal to minus 2. So calculate karo, 10 × 3 = 6, 9 × 9 = 0, 9 × 9 = 0, 9 × 7 = 2,
1.2006. आया समझ? माइनस करेंगे ना, क्योंकि बीच में माइनस है. अब ये डिजिट आपका बड़ा हो गया, माइनस टू का डिजिट बड़ा हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया. सो अल्टीमेटली योर रिजल्ट कम्स इन पॉजिटिव. ठीक है, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन तुम्हें आता है वेदर इट इज एचपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड. सीबीएसई वालों को थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट आएगा, एचपी बोर्ड को इसी बेसिस पे आता है. क्लियर? इज इट क्लियर? अब सपोज हमें पीएच दे रखा है और हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच2ओ पॉजिटिव निकालनी है. जैसे एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द, लिखो क्वेश्चन. हाँ, सेवन. आंसर तो 1.2 ही है. ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारा कैलकुलेट द H3O पॉजिटिव आयंस ऑफ ह्यूमन सलाइवा of human saliva which has a pH value of 6.4. अब यहां पे हमें pH दिया हुआ है और हमको H2O positive concentration calculate करनी है. तो अब कैसे करेंगे हम? Again pH that is equal to minus log of concentration of H2O positive. ठीक है, pH की वैल्यू हैज बीन गिवन एज 6.4, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O पॉजिटिव. अब ये जो लॉग है ये ऑपोजिट साइड जाके एंटी लॉग हो जाता है. ओके, सो जब आप इसको, क्योंकि हमको कॉन्सेंट्रेशन इसकी फाइंड करनी है तो हमें यहां से लॉग हटाना पड़ेगा. लॉग हटाने के लिए हमको उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा. तो जब हम उसे लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा एंटी लॉग माइनस 6.4, दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O पॉजिटिव. क्योंकि ये पूरा एज इट इज ही आएगा. इफ देयर इज अ माइनस ओवर हियर, हम इसको माइनस को यहां से हटाएंगे तो दूसरी साइड जाके भी माइनस ही हो जाएगा ना. कोई हम लोग उसके साथ कोई डिजिट तो नहीं लेके जा रहे, वी आर जस्ट शिफ्टिंग द साइन. तो जब हम साइन शिफ्ट करते हैं सिर्फ, तो साइन चेंज नहीं होता है. ठीक है, सो हम सिर्फ माइनस को शिफ्ट कर रहे हैं, सो इट इज नॉट चेंजिंग. एंटी लॉग ऑफ माइनस 6.4. एंटी लॉग का जो टेबल होता है, जैसे लॉग्स का टेबल हमने एन के अंडर देखा, तो एन के अंडर इट हैज वेरियस फिगर्स. पर जो एंटी लॉग का टेबल है उसपे एन में डेसिमल से शुरू होता है. जैसे हम एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे 0.64 का, यहां हम एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे 0.42 का, तो वो होता ही डेसिमल से शुरू है. राइट, जब नेगेटिव लॉग एंटी लॉग हमको कैलकुलेट करना होता है तो हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट. जब हमको माइनस 6.4 का एंटी लॉग कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.4. इसका एंटी लॉग हमको कैलकुलेट करना है. ये फॉर्मूला तभी लगेगा अगर हमारे पास यहां पे नेगेटिव साइन है. ओके, अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो हम डायरेक्टली 6.4 का एंटी लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन है तो हम यहां पे एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा रहे हैं, माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.4. सो माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 और डेसिमल के बाद का हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. इज इट क्लियर? अब इसे देखो क्या हो जाता है. ये एंटी लॉग अभी एज इट इज ही रखा है हमने, माइनस 7.6 हो जाएगा. माइनस 6 माइनस 1 एड अप बट द साइन रिमेन्स माइनस, और 1 माइनस 0.4 कितना हो गया 0.6. सो 0.6 हमने यहां पे लगा दिया है. ठीक है, क्लियर हो गया. अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन H2O पॉजिटिव.
जो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे होगा, पहले पूरा समझ लो फिर मेरे से पूछ लेना, जो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम 10 का पावर ले लेते हैं एंटी लॉग्स में। जो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम 10 का पावर ले लेते हैं एंटी लॉग में। तो अब हमें एंटी लॉग किसका कैलकुलेट करना है, 0.6 का। सो 0.6 का हम एंटी लॉग अंडर 0.60 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? हाँ, बिकॉज इट इज गिवन। एंटी लॉग जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी दी होती है वैल्यू 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, इस तरह से। सो 0.6 विल कम अंडर 0.60, ओके? तो 0.60 की वैल्यू जो है दैट इज 3981। राइट? अब इसको तो हमने पावर ले लिया, यहां पे फिर डेसिमल के पहले कोई भी डिजिट नहीं बचा, जीरो हो गया ना, क्योंकि -7 को हम पावर दे चुके हैं। तो एंटी लॉग में हम एक डिजिट प्लस करते हैं, राइट? तो 0 + 1 कितना हुआ, 1। तो यहां पे डेसिमल जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद लगेगा, ओके? अब सपोज ये जैसे यहां पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव ना होके पॉजिटिव होता कि हमें कैलकुलेट करना है एंटी लॉग ऑफ 6.4, राइट? अब दिस इज पॉजिटिव, फिर हमको ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, सिंपली जो डेसिमल से पीछे वाला है उसको आप 10^6 ले लोगे। और एंटी लॉग हम किसका कैलकुलेट करेंगे, 0.4 का। 0.4 का मतलब 0.40। सो 0.40 का जो एंटी लॉग है दैट इज गिवन एज 2512। अगेन डेसिमल फर्स्ट के बाद ही आ जाएगा। सो एज ए कन्वेंशन यहां पे आपके पास जो भी मर्जी हो, आप जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको पावर ले लो, और जो आप फाइंड करते हो वैल्यू एंटी लॉग की टेबल में उसकी फर्स्ट डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा देना है। जैसे आपके पास है एंटी लॉग ऑफ 20.72, ठीक है? सो लेफ्ट हैंड साइड को हमको कुछ नहीं करना है, 10^20 ले लेना है, और 0.72 का एंटी लॉग हमको निकालना है। तो 0.72 का एंटी लॉग कितना होता है, इट इज गिवन एज 5248। तो डेसिमल कहां लगेगा इसमें, 5 के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। यहां पे भी हमने फर्स्ट के बाद लगाया है, यहां पे भी हमने फर्स्ट के बाद लगाया है, यहां दो डिजिट से तो फर्स्ट के बाद ही होगा। दो डिजिट से तुमने ऊपर ले लिए ना, वो ये दो डिजिट्स नहीं है, ये 20 एज अ वैल्यू है। एंटी लॉग में जो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो 20 एज अ वैल्यू है। तो तुम 20 डेसिमल्स तो 0000020 लगाने पड़ेंगे ना। जब आप इनटू 10^20 कर रहे हो तो उसका मतलब यही हुआ ना कि 5248 के बाद 20 जीरोस, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि जितनी भी बड़ी कैलकुलेशंस होती है दे कैन बी सॉल्वड बाय लॉग्स एंड एंटी लॉग्स वेरी इजीली। समझ आया? एक और क्वेश्चन करके देखना है कि आ गया समझ। ये मैम ये भी है -7.6, तो यहां भी तो माइनस ही है। हां तो माइनस ही दिया है, नहीं दी। जैसे आप बोल रहे ना तो -6.4 है ना, तो ये मेथड लगाई थी तो इसके बाद भी तो माइनस नहीं आ रहा आंसर। 1 - 0.4 माइनस कैसे हुआ? पर जब हम माइनस का एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा ये वाली जो आपकी डिजिट आएगी वो एक ज्यादा आती है,
This is a formula to calculate the empty log of minus. So that our calculations may mistake na karo. इसलिए हम इसको इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है? जब पॉजिटिव होता है तो डिजिट वही आएगी जो लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना लंबे मेथड से, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट करते हैं कि 10 रिस्ट पर माइनस 7 ही आएगा। तो आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि आप कैलकुलेशंस में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने ये फार्मूला लगाया। ये फार्मूला किसी किसी बुक्स में है, किसी किसी में नहीं भी है, बट आई फाइंड ओवर द इयर्स कि जब भी हमने इस फार्मूला से करा है तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। सो दैट इज व्हाई मैंने आपको ये सिखाया। इज इट क्लियर? आ गया अभी समझ सबको लॉग्स एंड एंटी लॉग्स? बिकॉज बहुत जगह आगे सारे क्वेश्चन में लॉग्स एंड एंटी लॉग्स जो है वो यूज होंगे। पारुल, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं फिर। If you have understood, we will do few more questions tomorrow, right? So we have acid-base equilibria and ionization of acids and bases. Base equilibria, ionization of acids and bases, right? अब इसमें हमको calculate करना है dissociation constant और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैलकुलेट करा था के डब्ल्यू, उसी तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड इज के ए एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस इज के बी। ओके, सो पहले हम एसिड्स का देखते हैं। लेट्स टेक एन एसिड एच ए, हाइपोथेटिकल एसिड हमने ले लिया। So HA that is going to dissociate into H positive, yeah, chalo, chalo, water ke saath rehte hain isko. HA ko jab humne water mein dala to ye dissociate hua into H3O positive plus A negative. Okay, so K agar hum equilibrium constant is reaction ka kare तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाता है? H3O पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन HA इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है? अगेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी टेकन एज कांस्टेंट, K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बन गया H3O पॉजिटिव A negative divided by HA. K into this constant is denoted by KA. So KA kya ban gaya? Over concentration of HA. ये जो KA है इसको हम क्या बुलाते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। उसी तरह से बेस ले लेते हैं। लेट्स टेक द बेस एज BOH, बेस डिसोसिएट होगा एज B पॉजिटिव OH नेगेटिव। ओके, सो KB क्या आ गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH, राइट? सो नाउ वी हैव टू
calculate or derive relation between Ka, Kb and Kw. ठीक है, हम फिर से एक इक्वेशन, यही वाली इक्वेशन ले रहे हैं, which is HA plus H2O to give A negative plus H3O positive. ठीक है, अब according to this हमने KA calculate कर लिया, KA हमारा आ रहा है concentration of H3O positive into concentration of A negative upon concentration of HA. Let's say कि जो HA यहाँ पे है, ये Bronsted acid है. अगर ये Bronsted acid है, तो इसका base कौन सा होगा? Conjugate. A negative कराया ना हमने ये जब class शुरू करी थी ये वाली, कि हर एक acid का एक conjugate base होता है. HA minus H हमें एक conjugate base देगा, तो A negative इसका conjugate base हो गया. ठीक है, अब हम कंजुगेट बेस की रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं, A नेगेटिव प्लस H2O, ये हमें क्या देगा? HA प्लस OH नेगेटिव. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस KB कैलकुलेट करो क्या आता है, ये कांस्टेंट हो गया H2O, KB आ जाएगा concentration of HA, concentration of OH negative upon concentration of A negative. ठीक है, let's say this is equation 1 and this is equation 2. Equation 1 and equation 2. In the next step, multiply equation 1 by equation 2. So equation 1 by equation 2 क्या आ जाती है? Ka into Kb, that will be equal to what? H3O. Ka की value हम यहां से ले रहे हैं, H3O into A negative upon concentration of HA into this. So into this जब हम करते हैं, यह आ जाएगा concentration of HA into concentration of OH negative upon concentration of A negative. ठीक है, यही वैल्यू आ रही है, HA HA कट जाएगा, A नेगेटिव भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, और ये क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. सो रिलेशनशिप क्या आ गई? Ka into Kb is equal to Kw. ठीक है, Kw की वैल्यू क्या होती है 298 केल्विन पे? 1 into 10 raised to power minus 14. So Ka into Kb क्या आ गया? 1 into 10 raised to power minus 14. ये वैल्यू जरूर याद रखनी है, because ये आपको किसी भी क्वेश्चन में दे रखी नहीं होती. Kb की वैल्यू दे रखी होगी और बोलेंगे कि Ka की वैल्यू कैलकुलेट करो. So, Ka की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी फॉर्मूला से. इज इट क्लियर? चलो आ जाइए.